हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, बहुत सारी पेंटिंग्स और बहुत सारे आर्ट्स आप सीख रहे हैं और आज आप सभी का और हमारा फेवरेट रोज फ्लावर वो भी वन स्ट्रोक पेंटिंग से, वन स्ट्रोक के तरीके से ये रोज फ्लावर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आप ध्यान से सीखिएगा और ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही जल्दी बनता है। सो देखिए कितना प्यारा हमारा रोज़ का फ्लावर है और इसमें मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो ये हैं मजिंटा कलर, येलो कलर, वाइट कलर एंड सैफ्रन कलर। कलर्स आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने एंगुलर ब्रश और जो हमारी फ्लैट ब्रशेज हैं वो सब ब्रशेज इसमें ली हैं। और देखिए ये है मेरी एंगुलर ब्रशेज और फ्लैट ब्रशेज। सो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं ना, उस अकॉर्डिंगली आप साइज लीजिएगा। एक पैलेट और रफ क्लोथ को अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं ना, हमें बार बार रफ क्लोथ की ज़रूरत पड़ती है। और पैलेट में थोड़ा थोड़ा कलर निकाल लीजिएगा और उसके बाद आप करिएगा शुरू अपनी पेंटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने मजेंटा कलर और वाइट कलर निकाल लिया है हमारी पैलेट में। और जो हमारी फ्लैट ब्रश है ना, उसके एक कॉर्नर पर हम लेंगे मजेंटा और एक कॉर्नर पर वाइट कलर। और कलर को किस तरह से लेना है फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखिए। हाफ आपकी ब्रश में कलर होना चाहिए। कलर के बाद आप जब क्लोथ पे करेंगे तो मार्किंग अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी पेंटिंग शुरू कीजिएगा। ये देखिए, और जब हम रोज फ्लावर बनाते हैं, मार्किंग करने के बाद आप उसको इस तरह से धीरे धीरे अपनी ब्रश को शेक करेंगे तो आपका इस तरह से पेटल बन जाएगा। और ये फ्लावर तो मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा है। मैं इसे कुर्ती पर भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, साड़ी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी इन रोज़ फ्लावर्स की। सो आप देखिए कितना प्यारा बना है। सिंपल ये फ्लावर्स जो अभी आपके सामने हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसे रोज़ की शक्ल देंगे इसमें पेटल्स बनाकर। आप पेटल्स कितनी भी बना सकते हैं और कैसे भी बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। बल्कि मैं ये कहूँगी कि रोज़ के फ्लावर्स में ज़्यादा पेटल्स अच्छी लगती हैं, इसीलिए हम इसमें इतनी सारी पेटल्स, इतनी सारी परतें बना रहे हैं। और जो हमारा बड है, सेंटर बड, उसे इस तरह से हम बनाएंगे। अब देखिए शेप आपको दिख रही होगी, बहुत प्यारा लगेगा ये जब आप बनाएंगे तो। दुपट्टे पर भी बहुत सुंदर लगने वाला है। आप चाहें तो बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, पर्दे, कहीं पर भी बनाइए, कहीं को, किसी भी कॉर्नर को सजाइए, चाहे तो खुद को सजाइए। अब ये देखिए एक तरह से, और मैं आपको ये रोज़ फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सब तरीके सिखाऊंगी। बस आपको बस करना इतना होगा कि मेरे साथ बने रहना होगा, मेरी मेहनत को देखना होगा और देखकर आपको कोशिश करनी होगी। ये देखिए जो रोज़ बड है हमारी कितनी ब्यूटीफुल बनी है। और हम दोनों कॉर्नर से इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी हमारा रोज़ का फ्लावर बनता है। कॉर्नर से आप ऐसे ब्रश को रखिए और ऐसे एंगुलर उसको शेप दे दीजिए। ये सबसे इजी रोज़ फ्लावर है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक कुर्ती पर भी बनाया था ये। सो जब आप बनाएंगे ना, तो इसको पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। एक पेपर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्लोथ पर, किसी रफ क्लोथ पर। फेयर पर करने से पहले आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब आप अपने किसी भी चीज़ को सजाएंगे, किसी भी चीज़ को डेकोरेट करेंगे ना, वो बहुत ब्यूटीफुली खिल के आने वाली है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती फ्रेंड्स। जब आप मेहनत करते हैं ना, तो वो चीज़, वो मेहनत आपकी जो कोशिश है ना, उसमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। आपकी क्रिएशन तभी अच्छी बनती है जब आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से आप उसको डिज़ाइन करेंगे, सोच समझ के उस पैटर्न को बनाएंगे। मैं कुछ इस तरह से पैटर्न बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैंने फ्लावर का बंच बनाया है पूरा,
और ये देखिए, आप सिंपल इतना भी रख सकते हैं, ये फ्लावर इतना भी ब्यूटीफुल लगता है। आप चाहे तो इसमें एक दो पेटल्स और डाल सकते हैं। इस तरह से हमने दो फ्लावर्स को मिला के एक फ्लावर भी बना दिया, एक अलग से बना दिया और एक बड भी आपको बनाकर सिखा दी। अभी आप देखते जाइए, मैं आपको और भी सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। सो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, आर्ट फैक्ट्री पीडी पर। और जब आप काम करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अपनी मिस्टेक, डूज एंड डोंट्स आप खुद अपने देख सकते हैं। हर किसी का तरीका फ्रेंड्स अलग अलग होता है, हर किसी के सीखने की ललक भी अलग अलग होती है। मैंने ये सीखा है, 20 साल की मेहनत है मेरी इसमें, और अब तो मुझे ये काम इतना पसंद है पेंटिंग करना, कि आप जब पेंटिंग करते हैं ना, तो आपकी टेंशन्स, आपका डिप्रेशन, आपकी कोई भी तकलीफ आपके पास नहीं आती। जब भी आपको लो फील हो ना, अपने कलर्स और ब्रशेस उठाइए और लग जाइए कोई क्रिएशन बनाने में। एक क्रिएशन भी बनेगी और आप खुद को फ्रेश भी फील करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आजकल की भागा दौड़ी की जिंदगी है, किसके पास तनाव नहीं है, किसके पास शांति नहीं है। हर किसी के पास तनाव है, हर कोई सोचता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी, मुझसे ज़्यादा टेंशन में और कोई भी नहीं है। सो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप जब पेंटिंग करेंगे ना, जब ये काम करेंगे, तो आप खुद देखिएगा, जब लोग आपकी तारीफ करेंगे ना, आपको कितना अच्छा लगेगा। आप हर बात को छोड़कर मेरी मानिए, अपने अंदर किसी हॉबी को डेवलप कीजिए। तो देखिए, हम ये बर्ड बना रहे हैं और कितनी ब्यूटीफुल सी हमारी प्यारी सी ये बर्ड बनी है। सिर्फ बर्ड भी आप पूरी कुर्ती पर बना सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। बर्ड्स से बने हुए रोजेज भी अच्छे लगते हैं, इंग्लिश रोजेज जो होते हैं उस तरह से शेप। अब ये देखिए, खिले हुए रोजेज भी मैंने आपको बता दिए, बर्ड्स वाले रोजेज भी आपको बता दिए, और ये अलग शेप वाला रोज है, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो सबसे इजी है। सो फ्रेंड्स, जब आप करेंगे, तब आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कहाँ कुछ क्या प्रॉब्लम हुई। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी, तो आपकी वो क्वेरीज जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पर आप मुझे बताइए तो, आपको कहाँ दिक्कत आई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आप कैसे ये रोजेस बन रहे हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और अब मैं मिलती हूँ आपको जब हम लीफ बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए अब लीफ हम कैसे बना रहे हैं। बिल्कुल मेथड वही है, लेकिन जब आप अपनी ब्रश को शेक करते हुए लेकर जाते हैं ना सेंटर तक, उसके बाद उसको ऊपर एक नुकीली नोक की शेप में ले जाइए, तो आपका जो लीफ है ना, वो बहुत प्यारा बनेगा। आप जब भी आप ये जब लीफ बनाएंगे ना, ये दो तीन तरह से बनते हैं रोज़ के लीफ, और देखिए किस किस तरह से हमने बनाए हैं इसमें। मैंने भी दो तरीके के लीफ आपको इसमें बताए हैं। ये जो लीफ है, ये अगर आपसे ना बने, तो सिंपल आप ब्रश को ड्रॉप कीजिए एंड ड्रैग कीजिए, वो लीफ भी बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बट हाँ, ये जो लीफ मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल रोज़ के जो लीफ होते हैं ना, रोज़ प्लांट के, बिल्कुल उसके जैसा लगता है। ये मेरा बंच कितना प्यारा लग रहा है, आप देखिए और सीखिए अच्छे से। जब भी आप काम करेंगे ना फ्रेंड्स, जब भी आपको समझ में आएगा कि आप भी एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। ये देखिए हमारा बन रहा है, बहुत प्यारा सा एक जो मैंने बुके की शेप देकर बनाया है। ये मैं इसका कुशन बनाने वाली हूँ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है कुशन बनने के बाद, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। ये देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, आपको क्लोज करके मैं बिल्कुल दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लोज अप। ये देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने लीव्स बनाए हैं, बहुत इजी है और बहुत जल्दी आप लोग भी सीख जाएंगे ये बनाना।
सो फ्रेंड्स, जो मैं दूसरी तरह के लीफ आपको बोल रही थी ना, बता रही थी अभी, वो देखो इस तरह से बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। आप इसको ग्रास की शेप में भी बना सकते हैं, लंबे लंबे लीफ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, सबसे इजी तरीका ये है लीफ बनाने का, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी लीफ बनाइए, वो अपने आप में ब्यूटीफुल लगने ही वाले हैं। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लीजिए, सब कलर्स अपने आप में यूनिक होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। सो फ्रेंड्स, बनाइए, खुद को सजाइए, अपने घर को सजाइए। मैं यही कहूँगी कि ये जो आर्ट है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही प्यारी है। मुझे पर्सनली फैब्रिक पेंटिंग बहुत पसंद है, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी फैमिली को बड़ा करेंगे तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा आप सभी के लिए बहुत सारी तरीके की आर्ट लेकर आने का, बहुत ही अच्छी अच्छी जो यूनिक हमारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, वो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। और फैब्रिक पेंटिंग की तो पूरी सीरीज़ है, मुझे बहुत सालों से मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, और मुझे फैब्रिक पेंटिंग का पर्सनली बहुत शौक़ है। मैंने बहुत सारी बेडशीट्स बनाई हैं, सूट्स बनाए हैं, कुर्तीज़ बनाई हैं, साड़ीज़ बनाई हैं, दुपट्टे बनाए हैं, कुशंस बनाए हैं, बहुत सारी। और उन चीज़ों की ना कुछ की तो वीडियो क्लिपिंग भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ये ग्रास इफेक्ट है जो है, ये आजकल बहुत ट्रेंडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जगह जगह जहाँ आपको खाली जगह दिखे वहाँ पर इस तरह से ग्रास इफेक्ट दे दीजिए, और आपका जो क्रिएशन है वो अपने आप सज जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, यूं ही हमारे साथ बनाते रहिए, सजाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबको कैसे लगती हैं हमारी क्रिएशंस, कौन सी क्रिएशन अब तक आपको सबसे अच्छी लगी है, और क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी की ऑब्जर्वेशंस का, आप सभी की ओपिनियन का, आप सभी के कमेंट्स का। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, आप कमेंट करिए तो सही, तभी मैं आपको बताऊँगी और तभी मैं आपको। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को जाने से पहले, और हाँ, हमारे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर प्रेस कीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। और हाँ, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने YouTube फैमिली को बड़ा करने के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए आर्ट वर्क में, किसी नई इम्प्रेशन के साथ, किसी नई क्रिएशन के साथ। आप सब बने रहिएगा मेरे साथ आर्ट फैक्ट्री PD पर। फ्रेंड्स, आप सबका जो प्यार है वो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री PD।